नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में आप अल्ट्रासाउंड को देख के पता कर सकते हैं कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी, या फिर क्या सच में अल्ट्रासाउंड में कहीं लिखा हुआ होता है कि आपको क्या होगा, लड़का होगी या फिर लड़की होगी, या फिर क्या सच में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कोई ऐसा संकेत होता है जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा, लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना सच है और कितना झूठ है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाली हूं। तो सबसे पहले हम FHR के बारे में जानेंगे। FHR यानी कि आपके बच्चे की दिल की धड़कन के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। दूसरा हम जानेंगे रामजी थ्योरी के बारे में, जिसमें कि कहा जाता है यदि आपका प्लेसेंटा राइट साइड है तो आपको लड़का होगा, लेफ्ट साइड है तो आपको लड़की होगी। दोस्तों इसके अलावा आपका प्लेसेंटा एंटीरियर है या फिर पोस्टीरियर है, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपको क्या होगा। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है वो ये है कि अल्ट्रासाउंड में यदि आपका वाई लिखा हुआ है, XY लिखा हुआ है, YY लिखा हुआ है या फिर XX लिखा हुआ है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम FHR के बारे में जानते हैं। तो FHR के बारे में ये कहा जाता है यदि आपके बेबी का FHR 140 से कम है तो आपको लड़का होगा, और यदि आपका FHR 140 से ज़्यादा है तो आपको लड़की होगी। और इसके अलावा कुछ लोगों का ये मानना होता है यदि आपका FHR 140 से कम है तो आपको लड़की होगी, और यदि आपका FHR 160 से ज़्यादा है तो आपको लड़की होगी, और यदि आपका FHR 140 से लेकर 160 के बीच में है तो आपको लड़का होगा। ये बातें कही जाती हैं। अब हम जानते हैं कि ये सच है या फिर झूठ है। दोस्तों देखिए, मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी कि यह सच में ऐसा है या फिर नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। देखिए, जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनके स्टार्टिंग में FHR ज़्यादा ही होते हैं, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो। उनका FHR आपको पहले अल्ट्रासाउंड में ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। मतलब कि आप पहले अल्ट्रासाउंड कराने कब जाते हो, छठे सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक जाते हो। तो छठे सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह के बीच आप जब भी अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस समय आपके बच्चे का FHR ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके बच्चे की दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है। आपके दिल की धड़कन से 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से आपके बच्चे का दिल धड़कता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस समय आपके बच्चे की दिल की गति कितनी तेज़ी से चलती है। तो मतलब ये है कि इस समय आपके बच्चे का दिल का धड़कन ज़्यादा ही रहता है। उसके बाद आप जब भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे, आपको आपके बच्चे की दिल की धड़कन कम ही देखने को मिलेगी। ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है और ये नॉर्मल है। सो फ्रेंड्स, मान लो यदि आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया है और उसमें आपके बच्चे का FHR ज़्यादा आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो आप उस चीज़ को लेकर बौखलाइए मत ना कि हाँ भाई मुझे लड़का होगा या फिर मुझे लड़की ही होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अपना रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो मेरे कुल 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे, ये चारों ये रहे हैं। तो पहला अल्ट्रासाउंड मेरा जो हुआ था वो 9 weeks 1 day में हुआ था, ठीक है, यानी कि 10वें सप्ताह जब मेरा स्टार्ट हो गया था तब हुआ था। और इसमें मेरे बच्चे का FHR जो है 180 बीट पर मिनट है, ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं इधर साइड आपको मेंशन कर दूंगी, ठीक है, वीडियो बनाने के बाद। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो इधर FHR 180, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो गलत हो गई कि 140 से कम है तो लड़का है, 140 से ज़्यादा है तो लड़की होगी। ये तो 180 है, तो मतलब ये कि ये बात गलत है, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों इसमें मेरे बेबी का FHR 140 बीट पर मिनट है, आप देख सकते हो इधर साइड लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा ये FHR जो है इधर साइड भी लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखो इधर लिखा हुआ है यहाँ पे, दिखा आपको, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मेंशन कर दूंगी साइड में, आप देख लेना। तो FHR उसका सेकंड लेवल के अल्ट्रासाउंड में 140 था, ना तो 140 से कम ना 140 से ज़्यादा, तो ये बात भी गलत है, बिल्कुल बीच में है। और यह मेरा जो सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड हुआ था वो 19 week 1 day में हुआ था, यानी कि 20वें सप्ताह में मेरा सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड हुआ था, और इसमें भी ऐसा नहीं है। अब तीसरे अल्ट्रासाउंड की बात करें दोस्तों, तो ये मेरा हुआ था 30 weeks 6 day में, यानी कि 31 weeks जब मेरा स्टार्ट हो गया था तब मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था,
और इसमें मेरे बेबी का जो FHR है वो 150 बीट पर मिनट है। ये देखो, यहाँ पे देखो इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे। इसके अलावा इसमें भी लिखा हुआ होता है, मैं इसमें भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी FHR 150 है, ठीक है। तो ये भी 140 से ज़्यादा ही है, ना कि कम है। इसके बाद जो मेरा बेबी का तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, जो कि 37 वीक 1 डे में हुआ था, इसमें मेरे बेबी का FHR 157 बीट पर मिनट है, आप देख सकते हैं। ये देखो, और इसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ होगा कहीं, ये देखो इधर लिखा हुआ, यहाँ। तो कुल मिला के कहने मतलब ये है कि FHR नहीं बता सकता कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से तो दोनों ही बातें झूठी निकली हैं। पहला ये कि 140 से कम है तो लड़का होगा, और 140 से ज़्यादा है तो लड़की होगी, ये बात गलत है। दूसरा क्या है कि 140 से लेकर 160 के बीच है तो लड़का होगा, उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है तो लड़की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे बेबी का FHR 180 तक गया हुआ है। और दोस्तों, जितने बच्चे होते हैं सभी का पहला जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें बच्चे का FHR ज़्यादा ही होता है, ये बात मैंने आपको बता ही दिया। और ये आप भी देख लेना, आपके बेबी का जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ होगा उसमें FHR ज़्यादा ही होगा। दोस्तों, इसके अलावा जो दूसरी बात कही जाती है वो ये कही जाती है, यदि किसी महिला का प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल जो है, यदि वो एंटीरियर है यानी कि आगे की ओर है तो उसे लड़की होती है, और किसी का यदि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है यानी कि पीछे की ओर है तो उसे लड़का होता है। लेकिन दोस्तों, मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंटीरियर था, और मेरे केस में यह बात बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, मिथ है कि एंटीरियर प्लेसेंटा से लड़की होती है, क्योंकि एंटीरियर प्लेसेंटा से मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो इसीलिए मैं इस बात को कह सकती हूँ कि बात सही नहीं है, गलत है, झूठ है, और मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाऊंगी। ये देखो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखा आपने, इधर लिखा हुआ है, बाकी मैं साइड में मेंशन कर दूंगी तो आप जब देख लेना। तो मेरे बेबी का जो प्लेसेंटा है एंटीरियर था, तो ये बात भी गलत है कि पोस्टीरियर होने से लड़का होता है। हो सकता है कि ज़्यादातर केस में ऐसा हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पोस्टीरियर है तो आपको लड़का ही होगा, लड़की नहीं हो सकती। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि प्लेसेंटा एंटीरियर होने के बावजूद उन्हें लड़का हुआ, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर होने के बावजूद भी उन्हें लड़की हुई, और ऐसा आप मुझे खुद ही कमेंट करके बता चुके हो, कई बार बता चुके हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखा है पहले, उसमें मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए जिसमें कि आपने खुद ही बताया है कि मेरा एंटीरियर था लेकिन मुझे लड़का हुआ, और बहुतों का ये कहना है कि पोस्टीरियर था लेकिन हमें लड़की हुई। तो ये बात भी गलत है, आपका प्लेसेंटा कुछ भी हो, एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि आपको क्या होगा, ये बात तो आप समझ जाओ। दोस्तों, इसके अलावा क्या कहा जाता है कि यदि किसी महिला के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहीं पे एक्स लिखा हुआ होता है, कहीं पे वाई लिखा होता है, कहीं एफ लिखा है, कहीं SX लिखा हुआ है, कहीं XY लिखा हुआ है, तो ये एक संकेत है कि आपको क्या होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस चीज़ को थोड़ा गलत मतलब में लेके जाते हैं, लोगों को लगता है कि एफ लिखा है तो उसका मतलब फीमेल है, XY लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि लड़का होगा, XX लिखा हुआ है तो उसका मतलब लड़की होगी, YY लिखा है तो उसका मतलब लड़की होगी। तो बहुत सारे लोग इस टाइप से जो है अंदाज़ा लगाते हैं। दोस्तों, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, यह विदेशों में हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा हुआ हो, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इंडिया में इलीगल है, और आपके डॉक्टर बिल्कुल भी कहीं लिख के नहीं दे सकते हैं कि आपको क्या होगा, ये बात आप जानते हो। तो डॉक्टर पागल नहीं है जो आपको फ्री में लिख के दे देंगे या फ्री में आपको हिंट दे देंगे कि आपको क्या होगा। मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें कि मैंने ये देखा था कि इंडिया में अगर कोई गैरकानूनी तरीके से बेबी को पता करता है कि उन्हें क्या होने वाला है, तो वो 40,000 रुपये लेते हैं, और 40,000 रुपये से कम नहीं लेते हैं, ठीक है। और 40,000 रुपये लेने के बाद भी आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि हर एक जगह कैमरा होता है तो उनका इशारा होता है। इशारा मतलब कि मान लीजिए कि जहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है ना, वहाँ पे डॉक्टर के पास दो मूर्ति हैं, एक लक्ष्मी जी का, एक गणेश जी का है, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, इशारे से अगर गणेश जी के ऊपर हाथ रख दिया तो हिंट है कि लड़का होगा, और लक्ष्मी माँ के ऊपर हाथ रख दिया तो लड़की होगी, मतलब ये कि उनका कुछ इशारा होता है।
ताकि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड ना हो जाए। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा इस बारे में। और दोस्तों, कई बार ऐसी चीज़ों का भंडाफोड़ होता ही रहता है, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है कि कौन किस तरीके से बताएगा कि क्या होने वाला है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो जानबूझ के बता देते हैं कि आपको लड़की ही होगी, चाहे लड़का ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर आपको बताएंगे कि लड़की होगी तो बहुत सारे लोग जानबूझ के इसलिए करवाते इतना पैसा दे के, ताकि लड़की हो तो उसे ख़त्म कर सके, अपना गर्व गिरवा सकें। तो इस वजह से वो जानबूझ के बताते हैं, क्योंकि गर्व गिराने के अलग से उन्हें और पैसे मिलेंगे। गैर कानूनी तरीके से आपका काम करेंगे तो आपसे मोटी रकम लेंगे वो, तो इस वजह से वो आपसे अच्छा खासा रकम ले लेते हैं आपके गर्व को गिराने के लिए। और नुकसान किसका है आप खुद सोच सकते हैं, आपका है ना दोस्तों। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, यदि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कहीं पे एक्स लिखा हुआ है, कहीं वाई लिखा हुआ है, कहीं एफ लिखा हुआ है, कहीं एक्स एक्स लिखा हुआ है, या फिर एक्स वाई लिखा हुआ है, वाई वाई लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, तो इसका मेन मतलब क्या होता है? मेन मतलब ये होता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनका एक अपना अलग लैंग्वेज होता है, और वो कोई ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ को वो कोई नाम दे देते हैं, एक्स वाई एफ नाम दे देते हैं, इस टाइप से कोई नाम दे देते हैं। और ये जो ग्राफ होता है आपके बच्चे की ग्रोथ की चार्ट होती है, तो वो इस हिसाब से चार्ट बनाते हैं और उसी हिसाब से ग्रोथ को लिखते हैं। वो आपके समझ में नहीं आएगा, उनका शॉर्ट फॉर्म होता है, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। वो आपके बच्चे की ग्रोथ का ग्राफ हो सकता है मेजरमेंट के लिए, जिसको कि केवल डॉक्टर अपने तरीके से ही लिखते हैं, और इसका लड़का या फिर लड़की होने का कोई संबंध नहीं है। बाकी एक बात आप और बताओ, इंडिया में इलीगल है, गैरकानूनी है, और इसके लिए इतनी मोटी रकम दिया जाता है, तो डॉक्टर क्यों आपको कोई संकेत देगा जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो? क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं एफ लिख देंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, मतलब आपको फ्री फंड में बता देंगे आपको क्या होगा? ऐसा कोई नहीं करता है, समझ रहे हो ना? मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, जैसे कि मेरे बेबी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, कौन सा है, 37 वीक का है, ठीक है। तो इसमें देखो एक जगह लिखा हुआ है ग्राफ, आप देख सकते हो, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राफ, तो बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, ग्राफ जब बनाते हैं ना, बेबी के ग्रोथ का ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें नाम डाल देते हैं, किसी का एफ डाल दिया, किसी का एक्स एक्स नाम डाल दिया। वो तो आपके बेबी के ग्रोथ का ग्राफ होता है मेजरमेंट के लिए, तो वो इस हिसाब से होता है। बाकी जैसे कि मेरे में भी लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है PI RI SD PS, ठीक है, तो मेरे में इस तरीके से लिखा हुआ है। जो मेरा हॉस्पिटल था उनका ये तरीका है, किसी हॉस्पिटल का कोई और तरीका होगा फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं कि कहीं पे एफ लिखा हुआ है या फिर कहीं पे एक्स एक्स लिखा हुआ है, एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये लड़का या फिर लड़की होने का संकेत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मैं क्या से समझ गए होंगे कि ये क्या है, आपके बेबी के ग्रोथ का ग्राफ होता है, मेजरमेंट के लिए होता है, तो निश्चित हो जाइए लड़का लड़की का इससे कोई संबंध नहीं है। अब दोस्तों, इसके बाद जो चौथा है वो है रामजी थ्योरी, जिसमें कि ये कहा जाता है अगर आपका प्लेसेंटा राइट की तरफ है तो आपको लड़का हो सकता है, और यदि आपका प्लेसेंटा लेफ्ट की तरफ है तो आपको लड़की हो सकती है। दोस्तों देखिए, आप घर पे तो इस चीज़ का पता नहीं कर सकते कि आपका प्लेसेंटा किधर साइड है, वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, तो आप डॉक्टर से पूछ लेना कि किधर है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये एक नॉर्मल सी थ्योरी है जिसमें कि कुछ महिलाओं को शामिल किया गया था और उसके आधार पर बनाया गया था, सभी महिलाओं पर लागू नहीं होता, और इस पर कुछ ज़्यादा रिसर्च भी नहीं है जो मैं कहूँगी कि हाँ ये बिल्कुल सच है। कुछ महिलाओं के केस में सही हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से कन्फर्म ये भी नहीं है और आप भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये थ्योरी भी 100% यह दावा नहीं करता है। हाँ, प्लेसेंटा राइट होने पर लड़का ही होगा, ये भी अंदाज़ा लगा के ही बताते हैं, क्योंकि शायद जब इन्होंने रिसर्च किया था तो उस समय ज़्यादातर महिलाओं का प्लेसेंटा राइट साइड होगा, तो उन्होंने इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लिया। और उन्होंने बहुत सारे महिलाओं को लेकर ऐसा रिसर्च नहीं किया, कुछ महिलाओं को लेकर किया, तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लेसेंटा राइट साइड हो तो ही आपको लड़का होगा। और दोस्तों, नॉर्मली इंडिया में तो ये बात प्रचलित है, यदि आपको राइट साइड दर्द होता है, राइट साइड बच्चे की हलचल ज़्यादा महसूस होती है, तो आपको लड़का होता है, ऐसा है ना? क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बोलती थी अगर राइट साइड ज़्यादा फील होता है तो लड़का होता है, और लेफ्ट साइड ज़्यादा फील होती है तो लड़की होती है, लेकिन मेरे साथ उल्टा था, मुझे लेफ्ट साइड ज़्यादा फील होता था। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, सब कुछ ऐसा ही है। और मैं आपको यही कह सकती हूँ कि इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि आपको सच में क्या होने वाला है, क्योंकि डॉक्टर बिल्कुल भी पागल नहीं है कि आपको कोई भी हिंट देंगे वो भी फ्री फंड में। और उनको ये भी पता है कि इंडिया में गैर कानूनी है, अगर वो हिंट भी देंगे ना आपको तो उन्हें सज़ा हो सकती है। और एक बात बताओ, कोई भी डॉक्टर हैं पैसे कमाने को बैठे हैं तो आपको फ्री में क्यों बताएंगे वो? अगर डॉक्टर को पता चल जाएगा कि FHR 140 से कम में लड़का होगा, 140 से ज़्यादा होगी तो लड़की होगी, तो वो FHR लिखेंगे ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ लिखेंगे ही नहीं जिससे कि आप पता कर सकें कि आपको क्या होगा, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है कि आप ही होशियार हो या मैं ही होशियार जो मैं वीडियो बना रही हूँ,
जो डॉक्टर है हमसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं वो, और वो भी वीडियो देखते होंगे, वो भी सब कुछ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप बेफिक्र रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो भी ऐसा वीडियो में बता रहे हैं वो गलत बताते हैं। बाकी दोस्तों, घर में लड़का है या फिर लड़की है उसका पता करने का एक ही तरीका है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। और अल्ट्रासाउंड इंडिया में गैरकानूनी है। गैरकानूनी क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पे लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है, और भेदभाव की वजह से ऐसा हमारे इंडिया में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि उनके गर्भ में लड़की है तो वो गर्भ में ही अपनी लड़की को मरवा देते हैं, जो कि इंडिया के लिए, उनके समाज के लिए, फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और किसी की भी जान लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोग तो पैदा होने के बाद मार दें ना जिनको लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि लड़का है तभी वंश चलता है, लड़की है तो वंश नहीं चलेगा, और लड़की पैदा हो जाएगी तो उसके लिए पैसे जमा करने पड़ेंगे, फलाना ढिकना 50 बातें, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा करती हैं, ये बात तो मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ। और लड़कियों को तो शादी करके आप भगा देते हो, लड़कों को तो सारी प्रॉपर्टी देते हो, है ना, वो तब भी लात मारते हैं। और रही वंश चलाने की बात, तो ये भी आपका ही खून है, वो भी आपका ही खून है, दोनों आपका ही खून है, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें कुछ और मिला हुआ, उसमें कुछ और मिला हुआ, ऐसा नहीं है ना। तो खुद समझदार हो, दोनों वंश चलाते हैं, लेकिन हमारी इंडिया की सोच ही ऐसी हो गई है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करा जा सकता। बाकी अल्ट्रासाउंड से पता नहीं कर सकते हो, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी जिसको जो बात कहनी है वो कमेंट में कह सकता है, जिसे उल्टा बोलना उल्टा बोल सकता है, जिसे सीधा बोलना है वो सीधा बोल सकता है। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।